बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में सामान्यन। बर्नौली के अवकल समीकरण का स्टैंडर्ड रूप dy/dx + py = q (y^n). एग्जाम्पल देखते हैं। x³y³ - xy dx = dy। इस लाइन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, dy/dx + xy = x³y³। थोड़ा और सरल करें तो इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, y^-3 dy/dx + xy^-2 = x³। इक्वेशन नंबर 1। यह बर्नौली का समीकरण है, स्टैंडर्ड रूप है। y^-2 = v प्रतिस्थापित करते हैं तो ये होगा -2y^-3 dy/dx = dv/dx। ये वैल्यू समीकरण एक में प्रतिस्थापित करें तो यहाँ से मिलता है -1/2 dv/dx + xv = x³ या dv/dx - 2xv = -2x³, जो कि v में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर if होगा e^(-2x dx) या e^-x²। अतः रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा v(IF) = (-2x³)IF(dx) + c या v(e^-x²) = -2 e^-x²(x³)dx + c। यहाँ पर x²= t प्रतिस्थापित करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड होगी v(e^-t) और राइट हैंड साइड में बनेगा -(t e^-t dt + c). इंटीग्रेटिंग करते हैं, समाकलन करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास v = t + 1 + c e^t। v की वैल्यू वापस पुट करें और t की वैल्यू भी प्रतिस्थापित करें तो ये बनेगा हमारे पास 1/y²(x²+1)c e^x²।